हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास प्लस टू मैथमेटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो कि आपका एग्ज़ाम 21 मार्च 2018 को है, जिसमें अभी आपके जो है 3 दिन ही बाकी बचे हैं। 3 दिन में आपने कम समय में मैक्सिमम स्कोर कैसे लेना है, उसमें जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, क्लास प्लस टू में जो है, जो बच्चे क्लास प्लस टू में बेसिक सिलेबस के लिए एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उसमें मैं इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। जो ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं, ये आपको ज़रूर करनी है। लास्ट जब रिवीजन का टाइम है तो ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं, ये आपने ज़रूर करनी है। हर चैप्टर का जो है, हर चैप्टर के बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले जो बात है रिलेशन एंड फंक्शन में, देखिए सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली होगी, लेकिन जो जहाँ से जो है, जैसे लास्ट ईयर का मैंने 4 to 5 years के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको मैंने डिस्कस किया है, वहाँ से जो कंक्लूजन आया निकल के, उसके हिसाब से मैं आपको इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो बताने जा रहा हूँ। बुक्स जो फॉलो की हुई मैंने वो है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले बात करता हूँ मैं रिलेशन एंड फंक्शन की। ये मेरे पास से जो 10 मार्क्स का आएगा, यहाँ से जो आपने जो काम करना है बच्चों, एक्सरसाइज 1.2, 1.5 और एक्सरसाइज 1.6, यानी कि जिन बच्चों ने कंप्लीट सिलेबस किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों में की अभी जो कमी है, तो लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम का जो या क्वेश्चन पेपर का जो है पैटर्न है वो मैं बता रहा हूँ। लेसन एंड फंक्शन में आपने एक्सरसाइज 1.2, 1.5, 1.6 बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ से 99% चांसेस है कि आपका जो क्वेश्चन है इन एक्सरसाइजों से अटेम्प्ट हो जाएगा लेसन एंड फंक्शन का। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है, उसमें आपको जो एक्सरसाइज 2.2 बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स से तो आपका जो 4 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसमें एक एक्सरसाइज है तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। डिटरमिनेंट्स तो आपको बहुत अच्छे से करना है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है वो आपके पास मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड है। ये जो 3 चैप्टर हैं ये बहुत अच्छे से करने हैं, ताकि जो स्कोर आपका 20+ है वो ये 3 चैप्टर करने से ही हो जाएगा। अच्छा, मैट्रिसेस कॉन्टिन्यू मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके जो क्वेश्चन है यूनिक सॉल्यूशन वो टाइप आपने ज़रूर करनी है। जो 99% जो क्वेश्चन है वो यूनिक सॉल्यूशन का ही पूछा जाता है लास्ट ईयर की जो कैलकुलेशन है। उसके बाद मैं आपके पास चैप्टर 6 में आ जाता है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी। यहाँ से जो एक्सरसाइज जो है बच्चों आपको करनी है 6.1 और उसके बाद करनी है आपको 6.3। उसके बाद 7th चैप्टर में आ जाता हूँ, 7th चैप्टर से जो आपको एक्सरसाइज करनी है 7.3, 7.6 और 7.9। उसके बाद बच्चों अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD, अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 8। तो यहाँ से जो बच्चों आपको 2nd एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है, 3rd एक्सरसाइज करनी है, और आपने जो है 8.6 करनी है। 99% है जो 8.6 से वो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो जो है लास्ट 3 ईयर्स में पूछा गया है। ये चैप्टर की डिटेल थी। तो ये जो एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताई हैं, ये जो है आपको रिवीजन करते समय इन एक्सरसाइजों को बहुत ही अच्छे से करना है। अब मैं आपको जो चैप्टर 9 के बारे में आपको बता देता हूँ। चैप्टर 9 है मेरे पास इनडेफिनेट इंटीगल है जो चैप्टर 9 है बच्चों, ये इंटीगल है जो, ये बड़ा लेंथी पोर्शन है। इसमें आपने जो एक्सरसाइज करनी है वो बड़े ध्यान से करनी है। इनडेफिनेट इंटीगल चैप्टर 9 में जो आपको करना है एक्सरसाइज 9.2, 9.5, 9.7, 9.11, 9.12, इन एक्सरसाइजों को आपने बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें जो एक्सरसाइज करनी है आपने 10.1, 10.3 और 10.5 एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। 11th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों ये, यहाँ से आपको करनी है 11.2, 11.5, 11.6 ही एक्सरसाइज आपने यहाँ से करने। उसके बाद वेक्टर्स और 3D है जो, इससे बच्चे बहुत डरते रहते हैं, तो इसमें जो है मैंने आपको सिलेक्टेड एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आप वहाँ से सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जो चैप्टर 12 है आपके पास वेक्टर्स में, यहाँ से सिर्फ आपको 12.5, 12.6, 12.7 और जो 13 3D का चैप्टर है जो बच्चों, यहाँ से आपको 3rd एक्सरसाइज
और फोर्थ एक्सरसाइज, फिफ्थ एक्सरसाइज, एट्थ एक्सरसाइज और आपके पास 10 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपने 3 एक्सरसाइज, फोर्थ, फिफ्थ, एट, 10 ये बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपने वेक्टर और 3D में इन एक्सरसाइजों को कंप्लीट कर लिया तो बच्चों जो 17 मार्क्स में से आपके जो है 12 प्लस मार्क्स है जो वो बहुत ही इजीली आ जाएंगे। छोड़ना किसी को नहीं है, हर क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना। वेक्टर 3D से बच्चे अक्सर डरते रहते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो वेक्टर और 3D में जो मैंने एक्सरसाइज बताई है आपने उनको अच्छे से करना है। LPP सबसे इजी टॉपिक है, तो इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें से बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो ये LPP का जो क्वेश्चन आएगा वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो 99% है कि उसके चांस रहेंगे। तो आपने 14.3 को जो है बहुत अच्छे से करना है। अगर आप 14.3 अच्छे से कर लेते हो तो 14.2 है वो इसी में जो है क्लियर हो जाएगी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में बच्चों सभी बच्चों को पता है कि जो बेस थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बेस थ्योरम तो आपने करनी ही करनी है। और इसके अलावा जो 15.1 यहाँ से आपको बच्चों 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद जो आपको काम करना है 15.6 और 15.8 पे आपने जो है बहुत अच्छे से काम करना है। अगर आपने बच्चे इस तरीके से जैसे जो पैटर्न मैंने आपको दिया है, अगर आप इस तरीके से जो है अगर आप तैयारी कर लेते हो तो जो मैंने आपको ये जो ऐसे एग्ज़ाम के अपने आपके पास जो 2 या 3 दिन बचे हैं तो उसमें आप जो है इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं आप इनको जो है बहुत अच्छे से करें, क्योंकि किसी भी एग्जाम को करने के लिए आपके पास जो है एक वेल प्लानिंग होना चाहिए, वेल प्लानिंग मैनेजमेंट। अगर आपके पास बहुत अच्छी मैनेजमेंट है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको जो है ये मेरी जो मैंने 3 दिन पहले आपको गैस दी है, अगर आपको ये गैस ज़रूर पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और आपके जो भी दोस्त हैं उनको जो है शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी की भी जो है हेल्प हो सकती है। जो ट्रिक मैंने बताई है इससे आप बहुत कम समय में जो है तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इंस्टीट्यूट है द द्रोणाचार्य रेजोनेंट क्लासेस। अगर आप जो है आपका नॉन कोई भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अगर वो आगे IIT JEE मेडिकल NDA में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो द्रोणाचार्य रेजोनेंट क्लासेस को ज्वाइन करें। हमारे यहाँ पर जो कंपटीशन क्लासेस हैं वो फ्राइडे, सैटरडे और संडे को रखी गई हैं, ताकि जो बाहर का बच्चा है वो अपना जो है 3 दिन में आके अपना कंपटीशन की वो है तैयारी कर सके। हमारे कंपटीशन बैच में बेसिक सिलेबस भी करवाया जाता है, यानी कि कंपटीशन बैच में आपको बेसिक सिलेबस के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से करवाई जाती है। थैंक यू।